रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे लाने का ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो खुद है बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हर दम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के, हुनर की हिना का रंग ता उम्र फीका नहीं पड़ता। और आप सब में तो हुनर है। कर ले तू आगाज हुनर बाज, हुनर बाज कहते सुनते बातों बातों में हुनर आ जाएगा। आप भी अपना मनपसंद मैदान यानी फील्ड चुनिए। हुनर बाज स्किल टू विन पावर्ड बाय BGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। निदा फाजली जी ने क्या खूब कहा है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो। वाह वाह क्या बात। रेणुका जी, जिंदगी के सवालों के जवाब सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते, उन्हें खुद ढूंढना पड़ता है। एक छोटी सी स्टोरी है जी। हमारे एक अजीज हैं, हाँ। वो हमेशा शिकायत किया करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसका दिमाग बाकी चीजों में खूब तेज चलता है। इसमें भी कोई नई बात नहीं। बिल्कुल। घर का फ्यूज खराब हो जाए या किसी की बाइक स्टार्ट ना हो, सब कुछ चुटकी में ठीक कर देता है। मतलब हुनर तो है उस बच्चे में। बिल्कुल, हुनर तो बहुत है जी, साथ ही उसके हुनर को सही दिशा भी मिल गई है। आई एम ग्लैड टू टेल यू, उसने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आने वाले ITI में वोकेशन ट्रेनिंग में एडमिशन भी ले लिया है। अरे वाह। आप भी अपना मनपसंद मैदान यानी फील्ड चुनिए, जहां आपके हुनर को देखने के लिए सारी दुनिया जमा हो जाएगी। साल 1969, आजादी के दो दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव, कितने ही सवाल थे और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज, लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 105% का लक्ष्य प्राप्त किया। आज स्टूडेंट्स को हुनरमंद करने में उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ सबका विकास संभव हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसके बिना किसी उद्योग की कल्पना बेमानी है, यानी पावर सेक्टर। होरुका पावर प्लांट के MD श्री S चंद्रशेखर से होगी हुनर की बात। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा हाई वोल्टेज होता है, तो उसके लिए हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिशियन चाहिए। सो वी एम्प्लॉय लॉट ऑफ ITI स्टूडेंट्स। मिलिए ITI के उन हुनरबाजों से जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। ITI के नौजवानों में विश्वास है, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर पहुंचे। और ITI के हुनरबाजों के बीच होंगे हुनरबाजी के दो दिलचस्प मुकाबले। कितने कॉइल्स फिट हो चुके हैं आपके? आपके पास टाइम नहीं है? ओ माय गॉड, सिर्फ एक मिनट बचा है। दोस्तों, 3 हफ्तों के इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं प्रिंसी और मैं सनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हुनरबाज स्किल टू विन में। और अगले आने वाले 3 हफ्तों तक हम आपसे मिलेंगे सुबह 10 बजे। समय जरूर बदल गया है, लेकिन MOLE के इनिशिएटिव्स को दर्शाने का जज्बा नहीं। बिल्कुल। प्रिंसी, एक बात बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज करना आता है? सनी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, तो ये काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर गीजर बिगड़ जाए या फिर इस्त्री खराब हो जाए या फिर मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो जाए, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, ये तो खैर हम सबकी ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को ढूंढो, फिर उसे फोन करो, फिर उसके आने का इंतजार करो, और फाइनली जब वो आ जाए तो उससे चीजें ठीक करवाओ।
वैसे सनी, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है बिजली से, और अगर वो ही चली जाए तो उड़ी बाबा। नाम मत लो तुम प्रिंसी, क्योंकि अगर बिजली चली गई तो आज का हमारा ये शूट भी तो रुक सकता है। ओह यस, सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आज का हमारा एपिसोड इन्हीं सारी बातों से जुड़ा हुआ है, यानी कि पावर सेक्टर से, जिसके कंपोनेंट्स है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट और पता लगाते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पावर या ऊर्जा का। सस्ती और लंबे समय तक उपलब्ध हो सकने वाली ऊर्जा देश के निरंतर विकास में सहायक होती है। पावर जनरेशन के क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में 6वें नंबर पर आता है। हमारे देश में उपलब्ध इलेक्ट्रिसिटी में से थर्मल पावर प्लांट्स 65% देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स 22%, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 3%, तो वहीं ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे सोलर, विंड, बायोमास 10% ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। आज जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है, कृषि, यातायात, वेस्ट कलेक्शन, आईटी, कम्युनिकेशन, सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। हमारे कंट्री में पावर डेफिसिट है, इसलिए पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा हाई है। एक अनुमान के अनुसार 2017 तक बिजली की मांग 10-12% तक बढ़ने वाली है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ बने हैं कई बिजली निर्माण केंद्र, जो कि प्रायः कोयला या फिर जल विद्युत से बिजली का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से भी बिजली का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या बायोगैस। भारत में जो पावर जनरेट करने की क्षमता है वो 250,000 मेगावाट है। ऐसा अनुमान है कि सन 2030 तक कम से कम 400,000 मेगावाट तक हमें इसको ले जाना है। पहले बिजली निर्माण से लेकर उसके वितरण तक का सारा काम एक ही कंपनी किया करती थी, लेकिन आज ये काम 3 भागों में बांट कर किया जाता है, जिसमें है जनरेशन यानी निर्माण, ट्रांसमिशन यानी संचारण, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। ऊर्जा की बढ़ती खपत के साथ ही बढ़े हैं इस क्षेत्र में रोजगार। टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, CESC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि कंपनियां बिजली की निर्मिति तथा वितरण में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं, और इन्हें जरूरत है ट्रेंड वर्कफोर्स की। पावर सेक्टर में आज के दिन में आपको एक कमी तो है, गर्म परंपरागत स्रोतों के माध्यम से जो हम विद्युत पैदा करते हैं उसमें हमारे पास टेक्नीशियन की कमी है। ऊर्जा क्षेत्र में जरूरत होती है टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मशीन ऑपरेटर्स आदि की। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्किल अपग्रेडेशन और स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वो योगदान को और अच्छा करने के लिए वो कार्यरत हैं। ऊर्जा की मांग में जहां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इस क्षेत्र में लगने वाले वर्कफोर्स की मांग भी बढ़ी है, और इस मांग को पूरा करने का काम कर रहा है भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम मंत्रालय द्वारा देश भर में चलाए जाने वाले ITI और FTI इस काम को बखूबी पूरा कर रहे हैं, साथ साथ अपने ट्रेड्स को इंडस्ट्री रेलेवेंट रखने के लिए श्रम मंत्रालय ने गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड के साथ फ्लेक्सी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक कोर्सेज डिजाइन किए जा सकें। परंपरागत रूप से जो हम एनर्जी तैयार करते हैं उसके लिए हमारे पास आज के दिन में सफिशियंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि आप केवल प्लांट्स में ही कर सकते, जैसे पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन का एरिया हो गया या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंटेशन का एरिया हो गया, सब स्टेशन में ट्रेनिंग की ज़रूरत हो गई। ये सारे कोर्सेस हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में कवर करने जा रहे हैं, और जो पहले से हैं उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा ही अच्छे तरीके से लागू हो सके।
ऊर्जा की जरूरत हर क्षेत्र में होती है और इसीलिए इस क्षेत्र में कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तैयार हो रही हैं। अगर आप वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो यहाँ फ्यूचर ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। ये एक निरंतर विकसित होता क्षेत्र है। रिन्यूएबल एनर्जी की एरिया में करीब 3.5 लाख एम्प्लॉयज हमारे कंट्री में हैं, जो अगले आने वाले 5 वर्षों में लगभग 3 से 4 गुना हो जाएगी, जिस रफ्तार से एक्सपेंशन हो रहा है। पावर सेक्टर में बॉयलर ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑपरेटर, वेल्डर्स, फिटर्स, पावर प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, वाइंडर, सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉलर आदि की जरूरत है। ITI या FTI में इन सभी ट्रेड्स के इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज उपलब्ध हैं। ITIs में NCVT के तत्वाधान में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत 4 कोर्सेज चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लिफ्ट मैकेनिक एवं इलेक्ट्रोप्लेटर। ये पावर सेक्टर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल में कर सकते हैं, जिसमें वायरमैन के लिए 8वीं पास और बाकी कोर्सेज के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। नाम मात्र शुल्क पर आप इन कोर्सेज को करके आप एक प्रॉमिसिंग करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पावर सेक्टर में जॉब की कोई कमी नहीं है। एक बच्चा जो पावर सेक्टर में कोर्स करता है वो खुद का काम शुरू कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन से लेकर पावर प्लांट तक जा सकता है। प्रिंसी, क्या तुम्हें लगता है कि टैलेंट को निखारने की जरूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स सनी, तुम देख सकती हो कि मैं किस तरह से कॉन्स्टेंटली अपने टैलेंट को निखारती रहती हूँ। कौन से टैलेंट को निखारती रहती हो तुम? सनी, तुम नहीं समझोगे। तुम समझ गई ना? तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये सवाल पूछा क्यों? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम मिलने वाले एक ऐसे हुनरबाज से जिसके टैलेंट को निखारा है ITI ने और उसकी जिंदगी को कुशल बनाया है। वाओ, तब तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हुनरबाज की कहानी कई युवाओं को प्रेरित कर सकती है। बिहार के पटना में रहने वाले आरिफ हुसैन उन लाखों लोगों में से एक हैं जिनकी जिंदगी बदली ITI ने। मेरे बचपन से ही इलेक्ट्रिकल लाइन में बहुत अच्छा रुचि रहा और भगवान या ईश्वर की कृपा कहेंगे कि जिसमें मेरे ITI में भी जब एडमिशन हुआ तो मुझे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ही मौका मिला। ITI से पास होने के बाद आरिफ आज बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। जिंदगी की कड़ी धूप झेल रहे आरिफ की जिंदगी ने करवट उस वक्त ली जब उनके कदम ITI की ओर बढ़े। इससे पूर्व जो मेरी जीवन थी वो अच्छी नहीं थी। हम लोग अभी फुटपाथ की जिंदगी बसर कर रहे थे। हम फुटपाथ पर भी दुकान लगा के पढ़ाई किए हैं। इस मेहनत करते करते आज हम इस मुकाम पे जो थोड़ा बहुत हमको हासिल हो सका है वो ITI की बदौलत हुआ है। अगर आप में भी हुनर है तो कोई भी मंजिल आपके इरादों से बड़ी नहीं हो सकती।